इस राज्य को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। आर्य कला से पूर्ण मंदिरों ने इस राज्य का शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि पुरी के श्री मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, धौली शांति स्तूप वगैरह वगैरह, और साथ में बंगाल सागर की तटीय तरंग। इतना ही नहीं, इनके साथ हैं ढेर सारे खदान और प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे कि झरने, जलप्रपाते, पर्वत, पेड़, पौधे वगैरह वगैरह। शहरों की आवो हवाओं से दूर प्रकृति की गोद में इन छोटे छोटे कुटिया सब कितने सुंदर लगते हैं। क्या आप जानते हैं इनमें कौन रह रहे हैं? इनमें खरिया जाति के लोग रहते हैं, इतिहास कहता श्रेणी के हैं, और उनके भाषा भी मुंडा भाषा है। यहाँ में अमृत जीवन दान बागे वो ते तमा यहाँ कोंगना योनाबुन तीन ठो खड़िया तीन किस्म खड़िया की भीरू खड़िया तमलंग खड़िया और ढलकी खड़िया कल्चर विषय को इन तमा सठी के उमिंग अपना पालते है मगर तो जितना दूरी जितना दिशा इं अनुभव हो अनुभव अनुसार अपन अपन जाति या हिसाब अपन अपन का संस्कृति उनसी में खड़िया भाषा तमा ढेर तो तेगा रांची जिला यूनिवर्सिटी ते कंपलसरी खड़िया भाषा आज मुझे सो पढ़ाए थे कि अपना व्याकरण जाई व्याकरण जो पढ़ाए थे मैं वो जे सब इन रांची यूनिवर्सिटी चल के सब जे लामोच में सीटिंग। लेकिन उड़ीसा में रहने वाले खरिया उड़िया भाषा में भी बात करते हैं। अन्य आदिवासियों के तुलना में उड़ीसा के खरिया जाति कुछ भिन्न है। आइए थोड़ा करीब से देखते हैं। इनका घर ज्यादातर मिट्टी से तैयार होता है। गेरुआ रंग के मिट्टी से बनी इनका घर चिकना और मजबूत है। प्राचीन काल में इनका घर खजूर का पत्ता और खर में से छप्पर किया जाता था। फिर ये घर खपरेल घर में बदल गया। सरकारी सहयोग और विभिन्न योजनाओं के तहत खपरेल से एस्बेस्टस और फिर सीमेंट छत तक पहुंचा, लेकिन आज भी वही पुरानी दीवार नजर आता है। मिट्टी के दीवार और सुरक्षा के लिए मिट्टी से बनी टाइल के छत उनके जीवन शैली का एक पारंपरिक नमूना है। पहले तो खरियाओं ने खाद्य के लिए जंगल के ऊपर निर्भर करते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, चावल, बाजरा, मकई वगैरह। खेती के लिए पहले जंगल जलाते थे, लेकिन जंगल हानि के कारण सरकार ने इनको आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए। मोना रेणुधर नायक मुठे वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर अच्छी आमर खड़िया ओराम सब कास्ट मिसिक आ सब कास्ट आमर माने योजना सब चली आमर एटा आई टी डी एरिया आई टी डी एरिया विभिन्न प्रकार योजना रही मागणारे सार विहन मंजी दिया पुणी सब्सिडी आकार इलेक्ट्रिक डीजल मोटर पंप इलेक्ट्रिक मोटर पंप सब दिया हुछे। खरिया जाति के पुरुषों ने कच्छा व लंगोट पहनते थे। अब भी जंगल में रहने वाले कुछ खरियाओं ने कच्छा और लंगोट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह महिलाएं घुटने तक कपड़े पहनते थे और विभिन्न प्रकार के मालाएं भी पहनते थे। उनमें से नाक की नथनी, नाक की फांसिया, कान की बाली और सरसों की मालाएं प्रमुख हैं। लेकिन शिक्षा और आधुनिकता इन लोगों को कुछ परिवर्तन किया। इनके वेशभूषा और गहनों में काफी बदलाव आया है। अब पुरुषों ने धोती, लुंगी, गमछा, गंजी इत्यादि और महिलाएं साड़ी ब्लाउज इस्तेमाल करते हैं। उनके गहनों में आधुनिकता का छाप स्पष्ट पता चलता है। शहरी सभ्यताओं से दूर रहते हुए भी उन्होंने अपनी धार्मिक भावना से दूर नहीं है। उड़ीसा में बसने वाले दूध खरिया और ढेलकी खरिया अपने अपने धर्म के हिसाब से पारंपरिक ढंग से अपने त्योहार मनाते हैं। दूध खरिया ईसाई धर्म के हैं, इसीलिए वे बड़ा दिन
गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे प्रमुख त्योहार मनाते हैं और साथ में आदिवासी परंपरा के अनुसार बिहा पर्व, कर्मा नृत्य आदि मनाते हैं। लेकिन दूसरे आदिवासियों ने हिंदू धर्म के देवा देवियों की पूजा करते हैं और दूध खरिया प्रभु यीशु मसीह की पूजा करते हैं। इसी तरह ढेल की खरियाओं ने हिंदू परंपराओं के अनुसार दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और कार्तिक पूर्णिमा आदि त्योहार मनाते हैं, लेकिन पहाड़ी खरियाओं ने प्रकृति के देवा देवियों को पूजा करते हैं। ये देखा गया है खरिया जाति के लोगों को विटामिन अभाव के कारण बनी रोग नहीं होता, फिर भी सरकार की तरफ से इन इलाकों में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। इसके बावजूद भी खरियाओं ने पारंपरिक दवाई इस्तेमाल करते हैं। जोशीपुर ब्लॉक रे खड़िया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस अच्छी से जड़े प्रोजेक्ट अफिसर अच्छा आमर खड़िया मानकर जे जेकोसी रोग हेले से मानकर डाक्तरखाना से माने एवं केते क्षेत्र से माने गाँव रू से डाक्तरखाना को नहीं करी आसुंती आमर एठी औषध जहाँ डाक्तरखाना अच्छी आम दौचु जदि किसी किणवा को दरकार पड़े औषध ताले से औषध खड़िया प्रोजेक्ट तरफ किणाई से दिह छड़ा खड़िया जो गाँव गुड़ाक अच्छी से आम स्पेशल हेल्थ कैंप कर खड़िया प्रोजेक्ट ऑफिस जरिया से माने तार खर्च सब बहन करती एवं से गाँव में जाए आम समस्त को परीक्षा करूँ स्वास्थ्य परीक्षा करूँ जो मैंने रोगी था से मानकर जहाँ औषध आम डाक्तरखाना मिलूँ आम नहीं दू ता छड़ा जहाँ किणवा को पड़े से औषध मध्य किणा जाए कि सेठी गाँव रे तांको दिया जाए। स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी दूसरे आदिवासियों से आगे हैं। माता पिता उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अब देखने को मिलता है इन आदिवासियों समय के साथ साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। मते गर्व लगे गोटे खड़िया जोटे गोटे लोली ट्राइब आई भितर मु पढ़ी करी से प्रिंसिपल पद बर्तन पाई आउ गर्व संगे संगे संतुष्ट लगे कारण कि मो जाति भाई बंधु मान को किसी शिक्षा दे पारे बिना शिक्षा के ही उन्नति कर पारे ना मु सर्वप्रथम तो ये खड़िया ट्राइब उपरे जथेष रिसर्च कर सारे एवं करुचे पर्यंत तांकर विभिन्न जाति कि सामाजिक मीटिंग आखपाखि जाकर तांको विषय सिखाऊ तांको उत्साह दूची एवं प्रेरणा दूची।
खेती इनका प्रमुख रोजगार है, फिर भी इसके अलावा पशुपालन, जंगली चीजों का कारोबार, सरकारी व बेसरकारी नौकरी करते हैं। दूध खरिया और ढेल की खरियाओं ने धान, मकई, सरसों वगैरह खेती करते हैं। क्योंकि इनके पास लिफ्ट इरिगेशन का सुविधा नहीं है, इसलिए वे साल में एक ही बार चावल उगाते हैं। अनाज रखने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक शैली भी इस्तेमाल करते हैं। कृषि के साथ भेड़ बकरी, मुर्गी, गाय वगैरह पालते हैं। अपनी बागों से नींबू, पपीता वगैरह और जंगल से आम, जामुन, कटहल वगैरह लाकर बेचते हैं। परंतु पहाड़ी खरियाओं ने जंगल से मधु, लाख इत्यादि लाकर बेचते हैं। इसके अलावा शिक्षित युवाओं ने शिक्षा क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। जो लोग अर्ध शिक्षित या अशिक्षित हैं, वे लोग कारखाना और खदानों में काम करते हैं। सरकारी योजना यथा प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, खाद्य के बदले काम योजना, जवाहर रोजगार योजना के तहत श्रम दिवस तैयार किया गया है। अपने अपने कर्मों के साथ साथ ये लोग सारे त्योहार मनाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, अपने अपने घर को सजाते हैं। तो आइए देखते हैं उनके शादी का एक झलक। एक जमाना था, बस्ती के एक बुजुर्ग को राजा बनाते थे। राजा ही गांव का मुखिया था और उसका फैसला सबको मानना पड़ता था। अच्छा, अंबर उले बुतीना का धोलसी बर उकार सिंको सुरुम सी होले हम सिंको सुरुम सी डेम हाय सिंको सुरुम सी हम सिंको सुरुम सी डेम राजा तोलसी राजा पूरा हम तो पक्का माने हम तो सजाई तरह सजाई तो पूरा माने टोला लबो ग्रही करे में ओकरा माने बोनेना टोला लबो हम तो सजाई ओकर भारत रे में सजाई पूरा माने पक्का सजाई होइना चाहिए ओकर ते सजा कोइना चाहिए नउ मो कोइना चाहिए नउ मो कोइना चाहिए रो तमा जे हम पे चोर ते धोले पे अनिया खेड़िया इने मा चोर की थी इने तागा ता इने शक्ति आज ओकर ते सजा ते नपलती। राजा के शासन के साथ साथ खरियाओं ने वर्तमान के राजनीति में भी भाग लिया है। एमएलए हला पुरे तो केवल निज जातिर कथा किमा निजर घर लोक मान काम करवा कथा तो नुह से समस्त प्रतिनिधित्व करथवा एरिया सब जाति धर्म लोक काम करवा कथा किंतु
ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ଯଦିଓ ମୁଁ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଥିଲି ମୁଁ ତୈଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଞ୍ଜିରକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମାରିମୁଡ଼ା ଖପ୍ରିଲତା ଢାବାଡୋଲି ଆଉ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ଯେଉଁମାने ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ 1941-42 ମସିହାରୁ ସେଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାନାପୁରୀ ବୁଝାରତ ହେଇକି ସେ ଜମିର ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ସେଟା ହିଁ ସେଥିରେ ଉରାଓ ମୁଣ୍ଡା ଖାଡ଼ିଆ ସବୁ ସମାଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ରାଜନୀତି ସମୟରେ କରିଥିଲି ୟେ ତ ଥା ରାଜ୍ୟ କା କଥା ଓଡ଼ିଶା କେ ଖରିଆଓ ନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଔର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ମେ ବି ଅପନା ନାମ ରୋଶନ କର ଚୁକେ ହେଁ ଆଉ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଯଦି କହିବି ହକିରେ ଆମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଯେମିତି ଗ୍ଲୋରିଆ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରଥମ ଖଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହକି ଖେଳିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଏଗେନ୍ସରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସୁନିତା କୁଲୁ ସେ ବି ଜଣେ ଖଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ଗେମ୍ ସେଥିରେ ସେ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି ଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ତାଙ୍କରି ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆମର ଚମ୍ପିଆନ୍ ବି ହେଲା इनके जिंदगी में रंग तब भरता है जब ये लोग अपने आप को सांस्कृतिक कार्यक्रम में खो देते हैं। ढेल की खरियाओं ने रथ यात्रा, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली इत्यादि त्योहार मनाते हैं। दूध खरियाओं ने बड़ा दिन, गुड फ्राइडे वगैरह मनाते हैं। दूध और ढेल की खरियाओं ने बांदोई पर्व को एक साथ मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौ माता को पूजा करते हैं और खाने के लिए चावल, गेहूं और नमक खिलाते हैं। दूसरे दिन एक दूसरे के घर जाते हैं, बधाई देते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। अन्य आदिवासियों ने लोक नृत्य को प्राधान्य देते हैं और खरियाओं ने ऋतु को जैसे जून महीने में जेठवारी नृत्य जुलाई महीने में आषाढ़ी नृत्य फेब्रुअरी और मार्च में फगुणा नाच नवंबर और दिसंबर में कुवारा नाच खास तौर पर खरियाओं के शादी के समय पर हादुर नाच भी होता है Orissa is a very distinct and visible area in the tribal map of India because it is here only we find as many as 62 tribes and they constitute almost 1/4 of the state population. Among these tribes, a prominent tribe is Khadiya. People have thought of explaining the origin of this name, the significance of this name, but there are several theories which are more or less based on legends. Even the Khadiya themselves do not know why they are called Khadiya. Some people say that because they were carrying palanquins and some things, that some people say that this in Khadiya language, you don't find the pronouns are of three categories. One is very honorific, high.
another is just customary, and the third category is inferior. Aap, tum, tu. Ye three categories are there in almost all the Indo-Aryan languages and other languages. They had that kind of genius in them, the tenacity to work hard, the intelligence of common people, and the support of the government. In Chandragarh district, they have, the entire district is a scheduled district, having more than 50% of tribal, and all the district is covered by integrated tribal development agency, so they get all kinds of government support.